दोस्तों, गलती हर किसी से होती है और हमें इस गलतियों से ही सीखना होता है। तो आज हम लोगों के द्वारा की गई कुछ गलतियां देखेंगे और सीखेंगे भी, जिनसे आप ऐसी गलतियां ना दोहराइए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केम शो बका। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स करने वाले एस्पोर्ट 102, अंकुश यादव, बाइक अजीत, तुम्हारा समीर, एल्डोराडो गेमर, वॉरियर हाइड्रा और इंडियन बॉय, इन सभी को मिलाकर हमारे पिछले वीडियो पर टोटल 101 कमेंट्स आए हुए हैं। सो इन सभी का दिल से थैंक यू जिसने हमारी वीडियो पर कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपकी कमेंट्स भी दिखे, तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से कोई अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर रोड पर छोटा सा भी हादसा हो तो मोस्ट प्रोबेबली बड़े व्हीकल वालों को ही ब्लेम करा जाता है, लेकिन दोस्तों हर बार बड़े व्हीकल वालों की गलती नहीं होती। कई बार पैदल चल रहे या फिर बाइक वालों को बचाने के चक्कर में भी ये बड़े व्हीकल वाले अपना नुकसान करवा बैठते हैं। इवन कोई कोई बाइक वाले तो इतने हरामी होते हैं कि वे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कि रोड पर उनके सिवा और कोई है ही नहीं, और ऐसे लोग खुद के साथ दूसरों को भी मुसीबत में डालते हैं। जैसे कि बाइक पे सवार ये भाई साहब, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक पे सवार ये बंदा आगे पीछे देखे बिना ही रोड पर अपनी बाइक भगाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक मारुति स्विफ्ट आ रही थी। रोड के बीच में बाइक वाले को देख वो मारुति वाला ब्रेक लगा देता है और वो मारुति कार उस बाइक से जस्ट थोड़ी सी दूरी से टकराते बच जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में वो मारुति स्किड करते हुए घूम जाती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो बाइक वाला हॉस्पिटल में होता, या तो फिर वो मारुति कार पलट भी सकती थी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हर बार बड़े व्हीकल वालों की गलती नहीं होती। अब यहाँ पर सेकंड हैंड बोलेरो खरीदने आए कुछ लोगों ने इंस्पेक्शन के दौरान गलती से गाड़ी स्टार्ट कर दी। केरला स्टेट का ये इंसिडेंट उन लोगों के लिए सबक है जिसे कार के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे उंगली करने की आदत होती है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड हैंड बोलेरो खरीदने आए कुछ लोगों में से एक ने गलती से गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया। जब उसने गाड़ी की चाबी घुमाई तब गाड़ी ढलान में खड़ी हुई थी और हैंड ब्रेक भी एंगेज नहीं की हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां खड़े लोग उस गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और खाई में गिर जाती है। सो इसीलिए व्हीकल अपना हो या दूसरों का, बिना सोचे समझे उंगली नहीं करनी चाहिए। ओवरलोडेड ट्रक को किसी स्लोप पर चढ़ाना कितना मुश्किल होता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। कई बार ओवरलोडेड होने की वजह से गाड़ी को स्लोप पर चढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक हैवी लोडेड ट्रक इस ढलान को चढ़ने में जी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चढ़ पाता। ट्रक ड्राइवर को जब लगा कि अब ये नहीं चढ़ पाएगी तो वो टेम्पो को ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे काफी वेट होने की वजह से ट्रक की ब्रेक नहीं लगती। टेम्पो का ड्राइवर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ढलान होने की वजह से वो गाड़ी पीछे स्किड करने लगती है और फिर खाई में गिर जाती है। इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी लोडेड ट्रक को ऐसे स्लोप पर चढ़ाना कितना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर बाइक पे सवार दो बंदे अपने बाइक लेकर के आते हैं और रोड के साइड में लगे बिजली के खंभे से टकरा जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको इतना बड़ा बिजली का खंभा भी नहीं दिखा। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट करके जरूर कहे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।